अलवर शहर में दिन दहाड़े बाइक पर सवार होकर आए दो बदमाश शिवाजी पार्क पुलिस थाना अंतर्गत तिजारा फाटक के पास पूर्व पार्षद के मिष्ठान भंडार पर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के बाद फायर कर वहां से फरार हो गए। उन्होंने पहले तो काउंटर पर पर्ची दी, पर्ची में भोंसी जेल में बंद दो बदमाशों के नाम बताए जिसमें मोहित उर्फ डांडी, नवीन गुज्जर उर्फ धागावाला का नाम था। उस पर्ची में लिखा था कि अभी तो गोलियां चलाई हैं, ये तो चेतावनी है, अगर 50 लाख रुपए नहीं दिए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इस घटना के बाद पूरे शहर में दहशत का माहौल बन गया है और अलवर शहर में संभवतः यह पहला मामला है जहां इस तरीके की पर्ची को लेकर रंगदारी टैक्स मांगा गया है। अब तक यह सिर्फ भिवाड़ी और बहरोड़ की तरफ ही होता था, लेकिन अब अलवर शहर में इतनी बड़ी घटना होने के बाद आमजन तथा व्यापारियों में दहशत का माहौल है। इस सूचना के बाद पुलिस अतिरिक्त और पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह एवं अलवर शहर के विधायक संजय शर्मा भी मौके पर पहुंचे और हालत का जायजा लिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में शीघ्र ही बदमाशों की पकड़ और वारदात का खुलासा करने का विश्वास व्यक्त किया और वहीं अलवर शहर विधायक संजय शर्मा ने मुख्यमंत्री पर कानून व्यवस्था में फेल होने का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने 3.5 साल के कार्यकाल में मात्र पुलिस के माध्यम से विधायकों की जासूसी कराई है और इसके अलावा उन्होंने और कुछ नहीं किया। क्या नाम आपका? मेरा नाम सर वर्तक खान है। लगभग 3:30 बजे समथिंग एक बंदा आया जिसे हेलमेट पहन रखा था और अंदर से मास्क लगा रखा था। वो आया, उसने मेरे को पर्ची दी और पर्ची देकर उस पर फ्रीज पर दो फायर कर दिए। क्या धमकी देके गए? धमकी में लिख रखा है, उस पर्ची में लिख रखा है 50 लाख रुपये चाहिए, नहीं तो वो इल्जाम 50 लाख रुपए इंतजाम कर लेंगे, नहीं अंजाम भुगतने के लिए तैयार। गोली किस में मारी थी? गोली फ्रिज में मारी थी। कितनी तेज़ आवाज़ आई? आवाज़ ऐसे आई थी, हम तो ये सोच रहे शायद ये टायर फट गया या कोई अंदर से ब्लास्ट हुआ इसमें फ्रिज में, बाद में पता चला कि अंदर। कितनी उम्र का लड़का होगा? लगभग 25-26 साल का। एक थे दो थे? एक था एक और दूसरा खड़ा था। किस चीज़ पर आए थे? बाइक पर आए थे। किधर की तरफ से आए थे? वो अलवर की साइड से आए थे और तिजारत साइड निकल गया। ये था जी, दो बंदे आए मोटरसाइकिल से, एक मोटरसाइकिल पर खड़ा रहा, वो दूर खड़ी कर दी, एक ऊपर चढ़ा। ऊपर चढ़ने से पहले उसने एक पर्ची दिए, पर्ची बंद थी, पर्ची देते ही उसने फायरिंग की। फायरिंग करते ही ये अपने होल्डिंग का जो हमारा वो पड़ा था उसी में लगी हुई है, होल्डिंग के उसमें लगी थी ये गोली। बाकी वैसे किसी की दुर्घटना नहीं थी, परंतु उसके बाद उसको खोल के देखी तो 50,000 रुपये मांग की है, या तो 50,000 रुपये दे देना, नहीं तो तैयार रखना, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो। किस तरह से आए थे वो? वो बिल्कुल साधारण रूप से आए, कोई तरह का ऐसे नहीं ग्राफ जैसे बन के आते। एक बंदा बाहर खड़ा रहा, आपकी दूर एक दुकान के ऊपर चढ़ाए, चढ़ने के बाद में पर्ची दी। क्या सामान लिया उन्होंने? सामान कुछ नहीं लिया, बस खाली दे के और फायरिंग करके सीधा भाग दिए। फायरिंग किस पे की है? फायरिंग अपना कोल्ड ड्रिंक वाला हमारा ये है फ्रिज, इसके ऊपर। अच्छा, उसके बाद किसको? पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना दी है, पूरा प्रशासन मौजूद है इस समय, और इस समय सब मौजूद है। सीसीटीवी कैमरे में आ रहे हैं? सीसी कैमरे में आ रहे हैं, टीवी में आ रहे हैं। किस साधन से आए थे? ये मोटरसाइकिल से आए, हेलमेट ओढ़ा हुआ था। किधर की तरफ से आए थे? आए जो तो पता नहीं, पर गए इधर की साइड में अपने दिल्ली रोड, वो तिजारा रोड ओवरब्रिज के ऊपर से। अच्छा जी, दूध मिष्ठान भंडार पर आज इंसिडेंट एक लड़के द्वारा फायरिंग की घटना की गई जो इनके सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर है, और इसमें फिरौती की डिमांड की गई 50 लाख, जिसमें भोंसी जेल से रिलेटेड दो मुलजिमों के नाम भी मेंशन किए गए। इसको वारदात को जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मालिक का कहना है कि इनको पहले भी प्रीवियस किसी भी प्रकार की ना तो कोई थ्रेट मिली है, ना किसी प्रकार की डिमांड मिली है। तो इस घटना को वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस मानसिकता से अपराधी किस तरह आ रहे हैं। फुटेज में क्या है पूरा? एक लड़का दिखाई दे रहा है हेलमेट पहना हुआ है, तो हमने एक बार उसकी नाकाबंदी कराई है, देखते हैं कि वो क्या है। ये जो आम रास्ता है और जरा के लिए निकलता है, इस पर कोई पेट्रोलिंग की दिन में भी आवश्यकता है? चेतक और सिग्नल तो हमेशा दृश्य रहते हैं, बट कई बार होता है कि आप इस वाले राउंड पे नहीं हो तो हो जाए इस तरह का। देखिए, दूध मिष्ठान भंडार हमारे पूर्व पार्षद रहे पूरण जी का ये प्रतिष्ठान है, बहुत प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान है। मुझे जानकारी मिली कि यहाँ अपराधी वर्ग ने आकर के पहले पर्ची पकड़ाई, उसके बाद गोली चलाई, इनके जो कोल्ड ड्रिंक्स का शोरूम था उसके अंदर मैं तुरंत यहाँ पहुँचा,
मैंने वीडियो जो इनके कैमरे उसमें भी देखी, उसमें एक व्यक्ति हेलमेट लगा के खड़ा हुआ है, पर्ची देने का प्रयास कर रहा है और पर्ची देने के बाद फिर वो घूम करके गोली चलाता है। और उस पर्ची के अंदर भौंडसी जेल में बंद दो मुलजिमों के नाम है, उसके साथ साथ उन्होंने 50 लाख की इनसे एक्सटॉर्शन की भी मांग करी है, डिमांड मांग करी है और अंजाम भुगतने के लिए कहा है। उसके बाद मैंने एडिशनल एसपी साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि राम निवास जी मौके पर आ चुके हैं जैसे मुझे सूचना मिली घटना की। और उसके साथ साथ शिवाजी पार्क थाने का जो सिम है, जो फ़ोन है, सरकारी फ़ोन है, मैंने पहले उस नंबर पर फ़ोन किया, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये थी कि वो फ़ोन स्विच ऑफ था। और उसके बाद जब एडिशनल एसपी साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ राम निवास जी पहुँचे हैं, मौके पर आए तो राम निवास जी यहाँ थे भी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, अभी तक ये इस प्रकार की घटनाएं भिवाड़ी बहरोड तक ही सीमित थी और अलवर शहर में आकर के इस प्रकार की घटना करना और शहर के बिल्कुल बीचों बीच ये प्रतिष्ठान है और यहाँ आकर के गोली चला के व्यापारी वर्ग हमारे जो पूर्ण जी उनके परिवार में दहशत का वातावरण करके पैसे की मांग करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या लगता है आपको कुल मिलाकर पुलिस का जो डर है वो भी कहीं ना कहीं अपराधी प्रवृत्ति में? देखिए मैं बताऊँ आपको, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी 3.5 वर्षों में, जिनके पास गृह मंत्रालय भी है, वो 3.5 सालों में उन्होंने राजस्थान की जनता की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाए। उन्होंने लगातार जो काम किया वो विधायकों की जासूसी का काम किया, चाहे वो पक्ष का हो, चाहे प्रतिपक्ष का हो, चाहे सचिन पायलट, सबकी जासूसी उन्होंने पुलिस के माध्यम से कराई। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैंने विधानसभा में बात उठाई थी कि राजस्थान की पुलिस को खुली छूट देनी चाहिए अपराधियों को ख़त्म करने के लिए, अपराधियों को पकड़ने के लिए। उदयपुर में जिस प्रकार से घटना घटी, कन्हैयालाल जी नाप ले रहे थे, एक टेलर होने के नाते उनकी हत्या हुई। उसके बाद राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। देखिए इंडिया न्यूज 64 पर।